नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे बहुत ही सुंदर सी कुर्ती की डिज़ाइन, डीप नेक कुर्ती की डिज़ाइन का ट्यूटोरियल, जिसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। इस कुर्ती के लिए हमने लिया है ये एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक है, मिरर वर्क के एम्ब्रॉयडरी की हुई है और सिल्क में ये फैब्रिक है। ये 2.5 मीटर है और इसका अस्तर लिया है हमने। इस तरह से अस्तर को 4 लेयर में फोल्ड करेंगे, जैसे हम नॉर्मली कुर्ती कट करने के लिए 4 फोल्ड करते हैं, वैसे जितनी लंबाई है उतना हमने ये लिया है अस्तर, 2 इंच कम लेते हैं। यहाँ पर ये फोल्डेड भाग है और फोल्डेड भाग से हम मार्किंग करना शुरू करेंगे। 2 लेयर है, फ्रंट और बैक दोनों पोर्शन निकल सकते हैं इसलिए। और मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरह से। अभी हमें यहाँ पर शोल्डर मार्क करना है। ये डीप नेक है, इसके लिए हमें यहाँ पर 5 इंच 6 इंच तक का ही शोल्डर लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, चाहे आपके शोल्डर कितने ही क्यों ना हो। मैंने यहाँ पर 5.25 इंच पर मार्क किया है और नेक की विड्थ 2.25 इंच पर मार्क करेंगे। आपका ज़्यादा डीप नेक जाता है तो 5 इंच ले लीजिए। उसके बाद में ये आर्म होल 6 इंच पर मार्क करेंगे। ये भी फिक्स है अगर आप डीप नेक बनाते हैं अपने कुर्ती के नेक में या ब्लाउज के नेक में। तो उसके बाद में जितने आपके चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ पर मार्क करेंगे और उसके आगे सिलाई का मार्जिन। इस तरह से यहाँ पर सेंटर से 0.75 इंच और 1.5 इंच पर मार्क करके ये फ्रंट और बैक का आर्म होल ड्रॉ करना है। 1.5 इंच वाला बैक का रहेगा और दूसरा फ्रंट का रहेगा। अभी नेक लेंथ, हम बैक की नेक लेंथ यहाँ पर मार्क करेंगे। पहले यहाँ पर हम यहाँ से 10 इंच पर मार्क करेंगे। ये बैक की नेक का है, लगभग ये 9.25 इंच तक का रह जाएगा। ऊपर जो हमने 2.25 इंच लिया है, नीचे आधा इंच बढ़ा देंगे, यानी 2.75 इंच इसकी चौड़ाई ली है। फिर इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर शेप देना है। अगर आप इसमें और ज़्यादा नीचे से चौड़ा चाहते हैं तो इसकी विड्थ को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। इस तरह से नेक का मार्क किया है हमने यहाँ पर। ऊपर से यहाँ शोल्डर डाउन होगा हमारा नेक पर, वो भी थोड़ा सा हमें स्लाइटली यहाँ पर शोल्डर डाउन करना है, 1/2 इंच से थोड़ा कम। ये शोल्डर नहीं गिरे, इसके लिए हम यहाँ पर शोल्डर कम लेते हैं और शोल्डर डाउन नेक पर करते हैं। उसके बाद में जितने आपकी कमर है उसको 4 से डिवाइड कीजिए और यहाँ पर मार्क देना है। फिर यहाँ कमर के हिस्से में, बैक के पोर्शन में हम डार्ट्स लेंगे। तो यहाँ 0.75 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया। उसके बाद में जो सिलाई का मार्जिन है उसका मार्क करना है इस तरह। यहाँ पर डीप नेक में हमने यहाँ पर ये डार्ट लेना जरूरी है बैक साइड में। उसके बाद में जहाँ आप चाक लेंगे, आपकी साइड की जो स्लिट है शोल्डर से, उसकी लंबाई यहाँ पर मार्क करते हैं। यहाँ पर मैं शोल्डर से 23 इंच पर चाक का मार्क दे रही हूँ, हमें इतना चाक चाहिए। फिर जितना आपका हिप राउंड है उसको 4 से डिवाइड करके उसमें 1 इंच ऐड करेंगे हम लूजिंग के लिए। फिर यहाँ इस तरह से मार्क करना है। फिर 1 इंच हमारा सिलाई का मार्जिन, यहाँ पर 1 इंच ही लेना है। उसके बाद में इन दोनों तीनों मार्क्स को हम मिला देंगे, कमर से चेस्ट का और ये चाक वाला कमर से, इस तरह से मिलाएंगे। यहाँ पर ये हमारी स्ट्रेट कट कुर्ती है, तो इसके लिए यहाँ सीधी मार्क करेंगे। जितना ये हिस्सा है नीचे से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और फिर इस लाइन को मिला देना है इस तरह से। इस तरह ये हमारा मार्क हो गया है सारा और बैक पोर्शन के अकॉर्डिंग हमने ये मार्किंग की है। तो यहाँ अभी हम कट करेंगे इसे, बैक का आर्म होल और बाकी का जो साइड का पोर्शन है वो कट करेंगे। तो यहाँ डीप नेक में शोल्डर
ध्यान रखना है कि 5 से 6 इंच तक ही लेते हैं। अगर आपकी साइज नॉर्मल है तो आप 5 इंच लीजिए, थोड़ी ज़्यादा है तो 5.5, और फिर 6 बहुत हाई हो तभी। अभी एक पोर्शन रहेगा हमारा ये बैक का, और शोल्डर डाउन दोनों साइड में रहेंगे तो शोल्डर डाउन कट कर देते हैं दोनों के साथ में, और ये एक हिस्सा हम निकाल देते हैं नेक का, बैक का पोर्शन के लिए। तो ये हिस्सा हमारा बैक का पोर्शन हो गया। अभी आप फ्रंट के हिस्से में कैनवास से अपने नेक की फिनिशिंग देना चाहते हैं तो इसे कट मत कीजिए। मैं यहाँ पर ओवरऑल पूरी नेक पर पाइपिंग अटैच करने वाली हूँ, तो यहाँ पर मैं इसे कट करूँगी। 6 इंच पर हमने नेक की लेंथ ली है और फिर इस तरह से नेक का शेप देंगे। तो ये हमारी फ्रंट का नेक हो जाएगा, और फ्रंट का जो आर्म होल है वो भी हम मार्क करके इसे कट करेंगे। उसके बाद में कमर में जो हमने डार्ट लिए हैं वो हमारे फ्रंट के पोर्शन में नहीं आएंगे, वो हमारे बैक पोर्शन में ही आएंगे। तो यहाँ से हमारा जो कमर का हिस्सा है वहाँ हम जो डार्ट के लिए हमने बैक पोर्शन में एक्स्ट्रा लिया है दोनों साइड में, तो फ्रंट के हिस्से में थोड़ा सा कट कर देंगे, ताकि यहाँ पर इनकी फिनिशिंग अच्छी रहे। इस तरह से हमारे फ्रंट और बैक के दोनों पोर्शन हो गए हैं, और ये चाक का कट। अभी मैंने मेन फैब्रिक भी यहाँ पर कट कर दिया है, तो ये हमारा बैक का पोर्शन है। सबसे पहले बैक पोर्शन में हम डार्ट देंगे। मैंने यहाँ, ये हमारा राइट साइड और ये रॉन्ग साइड है। अभी शोल्डर से यहाँ पर मैं 14 इंच पर मार्क करूँगी, और जो नेक है उसके सेंटर के हिस्से से इस तरह से सेंटर में लेंगे और 14 इंच पर मार्क करेंगे। दोनों साइड में इसी तरह से मार्क करेंगे। अभी इस मार्क के ऊपर और नीचे के हिस्से में लगभग 2-2 इंच की ये लंबी लाइन लेनी है। ज़्यादा यहाँ पर हम लंबा डार्ट नहीं लेंगे, थोड़ा सा ही डार्ट लेंगे ताकि ये शेप सही रहे हमारा। तो यहाँ पर हमें इस तरह से मैंने पिनअप किया है ताकि मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों साथ में रहे, और यहाँ से छोटा सा करते हुए इसका जो सेंटर पॉइंट है वहाँ थोड़ा सा बढ़ाएंगे, फिर वापस छोटा कर देना है। इस तरह से ये डार्ट लेंगे बैक के पोर्शन में। ये डार्ट लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बैक में हमारी डिप नेक है, और जो शोल्डर फैल जाएंगे तो इसका जो असर है हमारी कमर की शेप पे आता है, इसलिए ये डार्ट लेने ज़रूरी हैं। उसके बाद में शोल्डर ज्वाइन करने हैं फ्रंट और बैक के। इसके बाद की प्रोसेस हमारी नॉर्मल है, जैसे कुर्ती में करते हैं वैसे ही इसमें सारे प्रोसेस करने हैं। यहाँ पर डबल स्टिच लेकर मैंने जिगजैग की स्टिच ली है और एक्स्ट्रा कट कर दिया है। ये शोल्डर जॉइंट हो गए हैं। उसके बाद में हमने ली है ये पाइपिंग डोरी की। इस पाइपिंग को हम पूरी ओवरऑल नेक पे अटैच करेंगे। तो यहाँ बैक के पोर्शन से हम शुरू करते हैं, और जो शोल्डर जॉइंट है वहाँ से थोड़ा सा हम पाइपिंग आगे छोड़ देंगे, और उसके बाद में स्टिच करेंगे। यहाँ पर हमारी डोरी आएगी, तो ये डोरी के लिए मैंने लिया है, ये फैंसी डोरी है, और इसको इस तरह से पाइपिंग के नीचे हम रखेंगे और इसके ऊपर स्टिच लेनी है। इस तरह से ये पूरी पाइपिंग हमें नेक पे स्टिच लेनी है। और हम वहां तक तो पहुंचते हैं जहां शुरू किया है। तो जो शुरू वाली पाइपिंग है वहां से ये धागा इस तरह निकाल के कट करेंगे, और जो आगे हम ये पाइपिंग लेके आ रहे हैं यहाँ तक लेकर इसे कट करना है। इसको नीचे अच्छे से दबाना है, और ऊपर का जो ये हिस्सा है इस पाइपिंग का, इसको फोल्ड करके इसके ऊपर प्लेस करेंगे, और इसके ऊपर सिलाई लेनी है। नीचे वाला हिस्सा अच्छे से दबाना है, उसका अनफिनिश्ड हिस्सा दिखे नहीं।
यहाँ पर इसे लॉक करेंगे। फिर कुर्ती का जो नेक है वहाँ पर कुछ कट देने हैं, बाकी तो यह हमारी डोरी की पाइपिंग है वो सारी उरी की पट्टी की है, बस जो नेक है वहाँ पर हमें कुछ कट देने हैं। कट देने के बाद इस पट्टी को यहाँ पर इस तरह से टर्न करेंगे और इस तरह से ही लेना है इसके ऊपर सिलाई, जैसे हम डोरी की पाइपिंग स्टिच करते हैं। इस तरह से ये पूरी स्टिच होने के बाद इसको पूरा टर्न करेंगे तो सिर्फ डोरी की पाइपिंग ही ऊपर ऊपर दिखेगी और इसके ऊपर सिलाई लेंगे। और इस तरह देखिए ये हमारी डोरी बाहर आ जाती है और ये फिनिशिंग के साथ में डोरी अटैच होगी। यहाँ एक सिलाई लेने के बाद इसके पास में आप एक और सिलाई ले लीजिए, या फिर तुरपाई करना चाहते हैं तो तुरपाई कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारी पाइपिंग अटैच हो गई है पूरे नेक पर, और देखिए डोरी भी फिनिशिंग के साथ में अटैच हुई है, दोनों साइड से कुछ भी नहीं दिख रहा है डोरी का हिस्सा। उसके बाद अब ये देखिए हमारा नेक हो गया है और इसमें अटैच करनी है हमारी स्लीव्स। आर्म होल पे जो हमारी स्लीव्स है वो अटैच करेंगे, बाकी का कुर्ती का जो प्रोसेस रहता है वही नॉर्मल प्रोसेस रहेगा। यहाँ हम फिटिंग की स्टिच लेंगे। फिटिंग की स्टिच के बाद जहाँ तक हमारा चाक का हिस्सा है ये फिटिंग की स्टिच लेनी है। ये चाक वाला हिस्सा आ गया, यहाँ तक हमें लॉक दे देना है और फिर जैसे चाक की स्टिच लेते हैं वैसे ही यहाँ पर सिलाई लेनी है। यहाँ पर मैंने ये सारी स्टिच ले ली है और ये हमारी कुर्ती बन के रेडी है। ये बैक का पोर्शन, यहाँ डार्ट्स हैं, ये फ्रंट का पोर्शन रहेगा और डोरी पे मैंने ये लटकन्स अटैच किए हैं और ये इजीली बना सकते हैं आप, बहुत आसान है। इसका वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देखना चाहें तो। इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं रहेगी, बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं। और इसके बाद में देखिए ये हमारी कुर्ती है जिसमें ये डीप नेक का पोर्शन रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, कोई शोल्डर से घेरने वाली दिक्कत नहीं रहेगी। आप सही प्रोसेस इस तरह से फॉलो करेंगे तो हम शोल्डर पहले से 5 इंच लेते हैं तो इसीलिए ही डीप नेक का होने के कारण ये फैल जाता है। और ये हमारे चाक और इस पे ये दुपट्टा रहेगा, इस कुर्ती पे बहुत ही सुंदर सा दुपट्टा है पॉम पॉम का। और ये डिजाइन पूरी हमारी कुर्ती की बन के रेडी है और ये पहनने के बाद ऐसे रहेगा, इसमें शोल्डर की घेरने की कोई भी इश्यू नहीं रहेगी। यहाँ पर इसीलिए हमने शोल्डर 5.25 इंच का ही लिया है। जब भी आप डीप नेक बनाते हैं तो इसी प्रोसेस को फॉलो कीजिए, ये एकदम परफेक्ट प्रोसेस होता है। इसमें शोल्डर कम लेना होता है जिससे हमारे शोल्डर पहनने के बाद फैलते हैं और डीप नेक के कारण, और ये गिरने वाला प्रोसेस इसमें नहीं रहेगा और ये एकदम अच्छी फिनिशिंग और फिटिंग के साथ में रहेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक ज़रूर कीजिए। कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आगे और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।